मेरा दिमाग हमेशा एक ही चीज़ में चलता रहता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो खुद अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का, अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल सकें, वो भी सेकंड्स में, दिनों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंड्स में वो कर सकें। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है? ऐसा एक रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूं, जिसके थ्रू मैं अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हंसते खेलते सॉल्व कर देता हूं। कुछ भी हो जाए, एक सेकंड में उससे बाहर आ जाता हूं। और वो क्या है? वो आज मैं आपको बोल करके नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाऊंगा। और मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज बात करने वाला हूं, जो आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में होगी, किसी के अंदर थोड़ी कम, किसी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा होगी। वो है एंगर, गुस्सा। चाहे हम अपनी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करें, चाहे अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करें, चाहे अपने मन में रखें, अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है। है ये गुस्सा एक प्रॉब्लम है? Yes. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो गुस्सा है ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? कितने लोगों को ये बात पता है? सबको पता है। ये आपकी रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे दो फ्रेंड्स का हो, वो रिलेशनशिप को अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। एक सेकंड का गुस्सा आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को एक सेकंड में तहस नहस कर सकता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है वो एक सेकंड का गुस्सा, अगर गलत टाइम पे वो आ गया तो, गलत जगह पर, गलत इंसान के सामने आ गया तो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे बात नहीं करेंगे, अंदर डीप में जाने वाले हैं और कैसे जड़ से इसको उखाड़ सकते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, कुछ सिचुएशंस में नहीं बल्कि हर सिचुएशन में गुस्से को पूरी तरह से हटा सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? सबको आता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना, हो सके तो अपने अंदर तक जाने देना, क्योंकि जब तक इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मरते दम तक नहीं निकाल सकते। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। आप सब लोग जिन्होंने भी अभी अभी अपने हाथ ऊपर करे थे, जाने या अनजाने झूठ बोल रहे हो। आपको गुस्सा नहीं आता है। मैं यहां पे हिप्नोटाइज नहीं कर रहा आप लोगों को, मैं रियलिटी के बेस पर बात कर रहा हूं, तो पूरा समझ लेना मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं कोई बाबा नहीं हूं, बेटे तुम्हें गुस्सा नहीं आता, कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी, वो नहीं कर रहा। कोई थियोरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल। कि जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ ऊपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब झूठ, सब बकवास, कोई गुस्सा नहीं आता आप लोगों को। आप लोग जानबूझ करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो। इस सच को समझने की कोशिश करना, अभी मैं इसके बहुत डीप में जाने वाला हूं। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है, मुझे सुसु आता है तो उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि भैया टॉयलेट आया तो करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता इस पूरी दुनिया में। लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं है, आया किसी को कोई बात नहीं, बाहर जा सकते हो। किसको आया वैसे, मैं शक्ल तो देखो, बाकी सब हंस रहे होंगे, वो सीरियस बैठा होगा, अलग ही पता लग जाएगा। तो गुस्सा क्या है? ये डांस के जैसा है भाई। कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है, डांस आया है, डांस आप करते हो, आपका मन करे तो आप डांस करो, मन करे 10 घंटे करो, मन करे रुक जाओ, मन करे फिर करो, मन करे ना करो, मन करे कभी ना करो, समझ रहे हो? और किस बेस पे मैं ये बात बोल रहा हूं, आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? तो जय भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके जो बॉस है उन्होंने बिना बात पे, किसी वजह से उनका मूड खराब था घर पे, या किसी भी वजह से बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिना बात के आपकी, बिना किसी गलती के जबरदस्ती आकर के आपको डांट दिया? कई बार हुआ है।
और बहुत लोगों के साथ तो रोज होता होगा, रोज होता है कि बॉस के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका कुत्ता मर गया, आकर के सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया, होता है, सबके साथ होता है। मतलब कि आपकी कोई गलती ही नहीं है और बेवजह आकर के आपको बुरी तरह से झाड़ा जा रहा है, वहां पर बुरी तरह से आपकी इंसल्ट करी जा रही है 10 लोगों के सामने खड़े होकर के। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ में ये होता है तो क्या आप जा करके उस बॉस को मारने लग जाते हो, पीटने लग जाते हो, अपने उस कंपनी के ओनर को मारते हो, पीटते हो, अपनी आंखें लाल करके उसको उंगली दिखा करके बोलते हो कि आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, खबरदार। कोई भी है जो ऐसा करता है? एनीबडी? कोई नहीं करता। तो क्या करते हैं उस समय? हम चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े रहते हैं और उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से, यही करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में हैं और आप में से कितने लोग मैरिड हैं जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं? 2 बच्चे, दो। तो आप अपने घर में बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो रोता रोता आपके सामने आया कि पापा वो भैया ने मुझे मारा 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 मारा, उस वक्त आप क्या करते हो? जा करके अपने बॉस का गुस्सा भी और अपना सारा का सारा गुस्सा उस बड़े बच्चे के ऊपर निकाल देते हो, बिना ये समझे कि उसकी गलती है भी या नहीं है। हो सकता है वो छोटा बच्चा झूठ बोल रहा हो। आप में से कितने लोग हैं जो छोटे हैं अपने घर में, मतलब कि उनका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, तो आप लोगों ने खूब झूठ बोला होगा, खूब पिटवाया होगा अपने बड़े भाई बहन को, सब करते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे उस बंदे की, बिना किसी गलती के हम जा करके उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाल देते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बोलते हैं दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और कभी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए तो उसको मार देते हैं, 2-3 लगा देते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखो इन 2 सिचुएशंस को, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से। सिचुएशंस 2 हैं, एक जगह पर जहां पर आपको अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ रहा है, उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका नुकसान है। आपको पता है कि भैया बॉस के आगे अगर मैंने गुस्सा किया, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आंखें दिखा दी उसको बॉस को, तो मेरी वॉट लग गई, मेरी नौकरी गई, उसके बाद में मैं अपनी गाड़ी की EMI कहां से भरूंगा, अपने घर की EMI कहां से दूंगा, बच्चों के स्कूल की फीस कहां से आएगी, क्या करूं? तो गुस्सा हमने नहीं किया अपनी मर्जी से। दूसरी तरफ वो जो बच्चा है छोटा सा, हमें पता है कि वहां हमारा कोई नुकसान नहीं है, अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो ये कहां जाने वाला है? क्या घर छोड़ के चला जाएगा? क्या पलट करके मुझे मारेगा? क्या गालियां देगा? क्या करेगा? डर जाएगा। तो जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा करते हैं, और जहां जोर नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बन करके खड़े रहते हैं। ये एक आदत पड़ गई है, हमारी हैबिट बन गई है। अगर इस हैबिट को हम सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो और इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लो ही ना, आप बोलते रहो मुझे तो गुस्सा आता है आता है आता है, तो भैया टॉयलेट आता तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। आता है, मुझे डर लगता है, तो जब लगता है तो उसके अंदर तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब लगता है तो डरना ही पड़ेगा। बट अगर आप ये बोलना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मुझे डर लगता नहीं है, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूं, मैं जानबूझ करके अपनी मर्जी से डरता हूं, तो आपके हाथ में कंट्रोल है। जब आप अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो तो अब आपके हाथ में कंट्रोल है कि गुस्सा ज्यादा करना है, कम करना है या नहीं करना है। डर में भी आपके हाथ में कंट्रोल है कि ज्यादा डरना है, कम डरना है या नहीं डरना है। आप ऐसे कितने लोगों ने बचपन में बहुत हॉरर मूवीज देखी हैं, डरावनी मूवीज देखी हैं, और क्या कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? स्पेशली आप लोगों के साथ ज्यादा हुआ होगा जिन्होंने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, क्योंकि मैंने भी बचपन में बहुत देखी है हॉरर मूवीज। कि रात का टाइम हो गया है, करीबन 12-1 बजे हुए हैं और सब लोग सो गए हैं घर में, और आप ऊपर से अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई है। हुआ है ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? और हम जल्दी जल्दी भागने लग गए, जल्दी जल्दी जा रहे हैं।
हुआ है? जरा सोचो, आपको गलतफहमी क्या हो गई है कि मुझे डर लग रहा है, जबकि आप जानबूझ करके अपने मजे के लिए डर रहे हो. और सोचो, अगर डर में मजा नहीं होता तो लोग हॉरर मूवीज क्यों देखते हैं? सोचो, डर में, गुस्से में, इन सब चीजों के अंदर एक थ्रिल है, एक पावर है जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो. मजा आता है, बीच बीच में किक मिलती है, बड़ा मजा आता है, एक्साइटमेंट है. इसलिए आप अपनी मर्जी से जानबूझ करके डरते हो, जानबूझ करके गुस्सा करते हो, और जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर वो सब जानबूझ करके करते हो. सिर्फ इतनी सी चीज को एक्सेप्ट करना है, इतनी सी चीज को समझना है. तो होता क्या है कि जब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से और हमारे पीछे कोई आ रहा है, और स्पेशली जब हमने कोई डरावनी पिक्चर देखी है, तो जाकर के बेड पे भी लेट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हाथ आएगा और आकर के गर्दन पकड़ लेगा. होता है ऐसा भी होता है? उस दिन बड़ा डर लग रहा होता है, मम्मी मम्मी क्या हो रहा है. 18 साल के बच्चे को मम्मी याद आ जाती है. तो करना क्या है अगर मेरी इस बात को समझना है तो, कि भैया आपको डर नहीं लगता, आप जानबूझ करके डर रहे हो. और अगर यकीन ना हो तो अगली बार जब आप रात को अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हो गए और आपको लगेगा कि पीछे भूत है, तो पलट करके देखो, देखो पलट करके, आपको पता लग जाएगा मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं. देखो भैया, दो ही चीजें होंगी, या तो वो भूत सच में होगा, मान लो है, तब भी अगर आप पलटे तो आपका फायदा है नुकसान है? फायदा है भाई, वो तो वैसे भी आपको मारने ही वाला है ना, वो तो वैसे भी आपको खाने वाला है डिनर में. तो एटलीस्ट अगर आप पलटे तो आपके पास में चॉइस तो है, उसे लड़ने की चॉइस तो है भाई, कुछ कर तो सकते हो. अगर वो आपकी गर्दन पे दांत मारेगा तो आप भी जाकर के उसकी गर्दन पकड़ सकते हो, क्यों नहीं, चॉइस है. हनुमान चालीसा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा है या बुरा है, मैं बस ये कहूंगा कि उससे आपका डर बढ़ता है. पढ़ो, पढ़ने में अच्छा है, विश्वास है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मत समझो कि उससे डर कम होगा, क्योंकि डर से आप जितना लड़ोगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा. भूत से आप लड़ नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं. अरे भैया, भूत हो तो लड़ो ना उससे. भूत कहाँ है? हमारे माइंड के अंदर है, जिसको आप जितना सच मानते चले जाओगे, जितना सच मानते चले जाओगे उतना ही वो पक्का होता चला जाएगा, उतना ही उसका एग्जिस्टेंस स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतनी ही उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी. आज आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, कुछ दिन बाद आपको दिखने भी लग जाएगा. सिर्फ आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा. हो क्या रहा है? ये भूत करते क्या है? ये आपसे आपकी पावर खींच लेते हैं. ये आप ही की एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है. आपने एक मूवी देखी, उसमें कुछ इमेजिन किया. अगर सोचो एक छोटे से बच्चे को जाकर के डराने की कोशिश करी जाए, वो डरेगा क्या? जिसने कभी कोई भूत की पिक्चर नहीं देखी, उसको बोलो भूत भूत भूत, कहेगा क्या होता है भूत, मुझे पता ही नहीं, जिसको बोलना नहीं आता. जो आपने लैंग्वेज सीखी बचपन में, उसमें आपको एक वर्ड मिला जिसको कहते हैं भूत, वो जाकर के आपके दिमाग में चिपक गया. और उस भूत को जब आपने एक मूवी के अंदर देखा तो उसकी एक इमेज आपके माइंड में बनी हुई है और उससे आप डर रहे हो. तो होता क्या है, आप जितना भी इससे लड़ोगे, जितना भी इसको कंट्रोल करोगे, जितना भी इससे भागोगे, ये उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा. करना क्या है? ना लड़ना है, ना भागना है, ना डरना है, सिर्फ पलट करके उसको देखना है, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक दिन पलट करके सीढ़ियों में उस भूत को देखना है और बोलना है, कहां है, सामने आ, कहां है. और बिल्कुल ऐसे ही गुस्से के साथ करना है. गुस्सा है नहीं, आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि मुझे गुस्सा आता है, आता है, आता है, आता है. बचपन में छोटा सा एक बच्चा है, मेरे घर में भी ये डायलॉग चलता रहता है, आपके भी घर में चला होगा, कि यार इस बच्चे को गुस्सा बड़ा आता है. सोचो कितना बोलते हैं हम, ये कह रहे गुस्सा कम किया कर, गुस्सा कम किया कर, अरे इसके अंदर तो बहुत गुस्सा है. और हम मजाक मजाक में बोल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर हो रहा है. वो इस झूठ को सच मानता चला जा रहा है कि उसे गुस्सा आता है, जबकि उसको गुस्सा आता ही नहीं है. वो अटेंशन लेने के लिए गुस्सा कर रहा है. अब बड़ा हो गया, उसकी वही आदत पड़ गई जो बचपन में पड़ी थी अपने पेरेंट्स की वजह से. तो करना क्या है? बहुत सिंपल है भाई. पहले समझो कि हमारा ये माइंड किस तरीके से काम करता है. हमारे माइंड में एक फीलिंग उठती है और उसके बाद में बिना सोचे समझे हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं बेस्ड अपॉन आर पास्ट नॉलेज. थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, तो कोशिश करना कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ा करके रखना, मतलब पूरी तरह से अलर्ट रहना. क्योंकि देखो, दो ऑप्शंस हैं मेरे पास में.
एक तो है कि मैं यहां पर कॉमेडी शो कर दूं, तो बड़ा सिंपल है मेरे लिए करना, कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को हंसाता रहूं, और आप यहां से जाओगे बाहर निकलोगे कहोगे यार आज मजा आ गया, बहुत हंसाया इसने तो, जैसे आप टीवी में कुछ शोज देखते हो और देखते हो। लेकिन क्या उससे कुछ बदला? आपकी जितनी भी कमियां थी, जो जड़ है आपके सारे के सारे दुखों की, वो आपके अंदर ही रह गई। टेम्पररी बेसिस पे आपने उन सारे चीजों से एस्केप कर गए, टेम्पररी बेसिस पे आप वहां से सब जगह से निकल गए, लेकिन फिर वो चीजें वापस से आपके सामने आ गई और फिर से हमने अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो आज मैं जा रहा हूं इसकी गहराई में कि अल्टीमेटली होता क्या है। बड़े सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, हमारे अंदर एक फीलिंग उठती है और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग एक जजमेंट हमारे अंदर पहले से ही पड़ा हुआ है कि अगर ये फीलिंग उठी, अगर ये छोटा सा बच्चा मेरे सामने आया रोता हुआ, तो इसका मतलब बड़े ने उसको मारा ही होगा। जो पिछली 10 बार में हुआ था, इस बार भी वही हुआ होगा। और एक सेकंड में, इसमें कोई मिनट नहीं लगते, साल नहीं लगता, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में आप रिएक्ट कर देते हो। वो बच्चा आपके सामने आया रोता हुआ, आप इमीडिएटली अपनी जगह से खड़े हो गए और सीधा भागते हुए गए उस बड़े बच्चे के पास में। मतलब कि फीलिंग जब उठी हमारी, हमने इमीडिएटली बिना सोचे समझे रिएक्ट कर दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। तो करना क्या है, इस फीलिंग और इस रिएक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप क्रिएट करना है, सिर्फ कुछ सेकंड्स का। मतलब कि एक कमिटमेंट अपने आप से करना है कि अगली बार अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करूंगा, करूंगा अगली बार भी मारूंगा बच्चे को, लेकिन 2 सेकंड रुक करके मारूंगा, 2 सेकंड का गैप क्रिएट करूंगा, सिर्फ देखूंगा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। तो अब ये गैप क्या है, ये गैप क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बोल करके नहीं, प्रैक्टिकली आज एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि ये गैप क्या है, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं इसके बारे में, अरे बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, अभी आप थोड़ी देर में बिना प्रैक्टिस के भी कर लोगे, तो सोचो प्रैक्टिस के साथ में आप क्या करोगे। तो अगले 5 मिनट के लिए ना आप कुछ बोलोगे, ना मैं कुछ बोलूंगा, ना मुंह से, ना अपने माइंड में, पूरी तरह से अलर्ट, पूरी तरह से अवेयर, सिर्फ मुझे देखना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस 5 मिनट के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा 5 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एक ऐसी स्टेट को एक्सपीरियंस किया है जिसमें ना वो अपने माइंड में कुछ बोल रहे थे और ना ही कुछ सोच रहे थे? तो एक बार सोचो कि अगर बिना किसी प्रैक्टिस के आप इस चीज को कुछ सेकंड्स के लिए भी कर सकते हो, तो अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करने लग जाओ और अपनी लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में इस गैप को क्रिएट करने लग जाओ, जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, चीजों को जज नहीं कर रहे देख करके, सिर्फ देख रहे हो, तो अगले कुछ सालों बाद क्या होगा? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जो मैं बोलता हूं ये सारी बातें कहां से आती हैं, कहां से आती है सारी बातें? दिल से तो आती है, लेकिन दिल की आवाज को सुनने के लिए, अंदर की चीजों को देखने के लिए, अंदर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए या कुछ भी करने के लिए, पहले हमें रुकना तो होगा ना भाई। रुक करके जब आप दुनिया को देखोगे, ऑप्शंस को देखोगे, आंख बंद करके बस हम भागे जा रहे हैं इधर से उधर, और इसी वजह से हम कंफ्यूज हुए पड़े हैं। माइंड के अंदर कई तरह की कंफ्यूजन्स हैं, हर वक्त माइंड के अंदर 1000 चीजें घूमती रहती हैं,
और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्यों है ऐसा, क्योंकि इस गैप को हम समझ नहीं पा रहे कि गैप क्या है, ये स्टेट क्या है। अगर इस स्टेट को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसको कह सकते हैं द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यही सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आराम से बैठ करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो, अपने थॉट्स को देख रहे हो, जब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि मुझे रिएक्ट करना है अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बिना सोचे समझे, या मुझे सोच समझ करके सिचुएशन को समझ करके एक्ट करना है। एक्ट करना है तो मेरे आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, या फिर मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठ करके चीजों को देखना है। देखना ही काफी है। अभी आप क्या कर रहे थे? आप देख रहे थे, देख रहे थे, बीच बीच में माइंड में थॉट्स आ रहे थे, बीच बीच में ब्लैंक हो रहे थे, यही हो रहा था सबके साथ में कि आपने देखा, बीच बीच में एकदम से कुछ थॉट्स आए, माइंड कहीं और चला गया, फिर माइंड वापस आया, फिर ब्लैंक हो गया, लेकिन पूरी तरह से अवेयर थे। इस स्टेट में से आप जो चाहे वो निकाल सकते हो। आपकी पावर्स कहां तक जा सकती हैं इस स्टेट के थ्रू, यू कांट इवन इमेजिन। इसी को स्थित प्रज्ञा बोला गया है। स्थिर होना कि आसपास में हजार चीजें चल रही हैं, अरे युद्ध चल रहा है, बुरी हालत है, तहस नहस हो रही है, मारकाट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं अपनी जिंदगी की, किसी और की जिंदगी की नहीं, कि हमारी जिंदगी में चारों तरफ, मैं अच्छे टाइम की बात नहीं कर रहा कि जब कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो कोई भी खुश रह लेगा, बैठ करके टीवी देखते रहो, खुश रहो। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की, जिस वक्त में आपको बॉडी से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम्स है, और वो सबकी लाइफ में कभी ना कभी आनी आनी है, रिलेशनशिप से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम लाइफ से रिलेटेड कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के आप सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे भाई? अगर आपका माइंड भागता रहा, माइंड को इमेजिन करो, एक इंसान है जो भाग रहा है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कभी कहीं कभी कहीं किसी ने बोल दिया यहां भागो, वहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, एंड में कंफ्यूज होकर के बैठ गया कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो करना क्या है, वहां पर आराम से अपने माइंड को एक जगह पर टिकाना है। हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पता है क्या है? कि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। और ये जो स्टेट है जिसको मैं गैप बोल रहा हूं, जिसको बोल रहा हूं द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इसको आप इंटेलिजेंस भी कह सकते हो, क्योंकि जब तक आप इस स्टेट में नहीं जाओगे आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, आप माइंड के लेवल पे ही रह जाओगे। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक इंसान में और एक जानवर में। आई गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अगर एक जानवर है जो 3 दिन से भूखा है और उसके सामने एकदम से कोई शिकार आ जाए, तो क्या उसके पास में कोई चॉइस है? क्या वो उस टाइम पे बैठ करके सोच सकता है कि मुझे इसका शिकार करना है नहीं करना? उसे जाकर के सीधा झपट्टा मारना है। इसको बोलते हैं माइंड। इससे ऊपर एक चीज है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, मतलब कि ये है मन, वो है हमारी बुद्धि, जो इंसान की डेवलप हुई है, जानवरों की अभी नहीं हुई है। जब हम चूज कर सकते हैं, मतलब कि आप में से कितने लोग ऐसे जिनका सरनेम जैन है, जैन, तो आई एम 100% श्योर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशंस में किसी ना किसी ने 10 दिन का, 20 दिन का या 1 महीने का वाटरफास्ट जरूर किया होगा, किया है। और आप सब लोगों को पता होगा कि ये चीज होती है। अब जरा सोचो कि ये चीज कैसे कर पा रहे हैं, क्या कमाल की चीज है। और उस वक्त अगर उनके सामने आप जाकर के 56 भोग भी रख दोगे तब भी वो नहीं खाते, कैसे हो पा रहा है? खाने को देखते ही, सपोज 10 दिन हो गए, 10 दिन से सिर्फ पानी पिया है और 20 दिन का वाटर फास्ट है, तो 10 दिन बाद क्या होगा जब उनके सामने खाना होगा? फीलिंग उठी, रिएक्ट करने का मन कर रहा है कि फटाफट से जाऊं और खा लूं, लेकिन उन्होंने गैप क्रिएट कर दिया, अपनी बुद्धि को बीच में ले आए, संकल्प कर लिया, अपने आप से कमिटमेंट कर लिया कि 20 दिन से पहले नहीं तो नहीं, नहीं खाना तो नहीं खाना। अपनी बुद्धि की पावर्स को अगर यूज करना है तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि गैप में जाना होगा। इवन 1 सेकेंड इज मोर देन इनफ। आपको 5 मिनट का गैप क्रिएट नहीं करना है कि आपके बच्चे लड़ रहे हो और आप बैठ करके वहां पे आराम से देख रहे हो 5 मिनट के लिए, अरे मार देंगे एक दूसरे को, सर फोड़ देंगे, इतना गैप क्रिएट नहीं करना है, 1 सेकेंड भी बहुत है। रिएक्ट करने से पहले आराम से बैठ करके सोचना है, समझना है। क्या आप और डीप में जाना चाहते हैं? मैं अभी और गहराई में जा सकता हूं, आपको बता सकता हूं माइंड क्या है। यस और नो? कितने लोग चाहते हैं कि मैं और डीप में ना जाऊं, आगे बढ़ूं, हल्का फुल्का रखूं इस सेशन को? कंफ्यूज हो गए,
समझो माइंड क्या है, माइंड की बारीकी को पकड़ना है, माइंड कैसे काम करता है। आप एक जगह पर खड़े हुए हो, एक तरफ आपका एक दोस्त है स्कूल टाइम का, एक तरफ दूसरा दोस्त है, आपकी उधर नजर पड़ी और आपने फटाफट से मुंह फेर लिया कि वो मुझे कहीं पहचान ना ले, कहीं मुझे वो देख ना ले, और दूसरी तरफ आपको एक और दोस्त दिखा, उसके पास आप गए और जाकर के उसको गले लगा लिया, अरे भाई बहुत टाइम बाद मिले हैं, क्या हुआ, पकड़ो, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन अगर आपको पकड़ में आ गई तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। ये अगर पकड़ में नहीं आई तो हम जानवरों के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आज इंसान जानवरों के भी लेवल से नीचे गिर गया है। क्या वजह है? वजह यही है कि वो अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को गलत जगह पर लगा रहा है, गैप्स क्रिएट नहीं कर रहा है, माइंड ने टेक ओवर कर लिया है उसके ऊपर, बिना सोचे समझे रिएक्ट करता चला जा रहा है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, आपने वहां पर देखा सिर्फ एक सेकंड के लिए, आपकी नजर पड़ी और इन दोनों ही दोस्तों को आपने 10 साल से नहीं देखा था, आपकी नजर पड़ी और नजर पड़ते ही एक सेकंड के अंदर अंदर 10 साल की जो उसकी पूरी की पूरी कहानी है वो आपके दिमाग में घूम गई। मतलब 10 साल की फिल्म एक सेकंड में खत्म। 10 साल जो आपने स्कूल में बिताए उन दोनों के साथ में, वो एक सेकंड में खत्म। जिस कहानी को अगर नॉर्मल तरीके से आप चलाते तो 10 साल लगते, उठ करके एकदम से उसकी शक्ल देखी और सारी कहानी घूम गई। मतलब आपके दिमाग में क्या घूमा, बड़ा घटिया आदमी है, स्कूल टाइम में बड़ा घटिया आदमी था ये, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, ये तो बहुत ही बुरा था, गलत ट्रैक पे निकल गया था स्कूल टाइम में, गलत गलत चक्करों में पड़ गया था, इधर देखा अरे बहुत बढ़िया आदमी है, ये बहुत बढ़िया लड़का था, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसने मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा किया। ये है आपका माइंड, अभी तक आप इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंचे हो भाई, ये अभी माइंड की गेम चल रही है जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। रियलिटी को समझने के लिए आपको एक गैप क्रिएट करना होगा, रुकना होगा और फिर समझना होगा उस सिचुएशन को, फिर जजमेंट पास करना होगा। ये जजमेंट आपके माइंड का है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। जिस आदमी को आप घटिया समझ रहे हो आज वो संत बन चुका है, आज वो बहुत अच्छा इंसान बन चुका है, सबकी भलाई कर रहा है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, और जिसको आप अच्छा समझ रहे हो वो एक नंबर का चोर है, फ्रॉड है, सब बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। और आपने क्या करा, अच्छे को छोड़ दिया, बुरे से जाकर के लिपट गए। और एक बार ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई कि वो अच्छा इंसान है, तो अगर आप चाहोगे भी तो उसकी बुराइयां आपको नजर नहीं आएगी। तब तक जब तक वो आपको बेवकूफ बना करके आपके साथ भी फ्रॉड करके घपला करके निकल नहीं जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी भाई। ये माइंड का गेम है, इससे निकलना है तो क्या तरीका है, रुके, उस सिचुएशन को समझा, अच्छा एक सेकंड का गैप क्रिएट किया और बिना जजमेंट के उन दोनों तरफ देखा और फिर डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, या अगर उधर गए भी उससे गले मिले भी तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे अभी आप जजमेंट पास नहीं कर रहे, अभी आप उसको देख रहे हो, उसकी बातों को सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, पहले से ही अपने माइंड में एक इमेजिनेशन नहीं बना रहे कि बहुत बढ़िया आदमी है, उसको समझ रहे हो फिर रिएक्ट कर रहे हो। जो मैंने आपको बच्चों का एग्जांपल दिया था उससे रिलेट करो इस पॉइंट को, कि एक छोटा बच्चा आया रोते हुए देखता हुआ, मतलब रोता हुआ दिखा, सिर्फ आया, पापा पापा भैया ने मारा मारा मारा, झूठ बोल रहा है वो बच्चा, और आप गए और आपने जाकर के बड़े वाले को मार दिया। अब यहां पर इस सिचुएशन में था क्या, रियलिटी में आपको गैप क्रिएट करना था, जाकर के दोनों से बात करनी थी, समझना था, और फिर आपको क्या समझ आता कि ये छोटा चालाक है, इस छोटे ने बड़े को मारा है और खुद आकर के रो रहा है और कह रहा है कि बड़े ने मुझे मारा है, इस छोटे ने बड़े का खिलौना तोड़ा है, इस छोटे ने खिलौना तोड़ा है, और आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है कि बड़ा इसको प्यार नहीं करता, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस वक्त वो दोनों साथ में होते हैं आपको पता भी नहीं है, वो बड़ा अपने छोटे भाई को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, आपसे भी ज्यादा प्यार करता है, और आप देख ही नहीं पा रहे क्योंकि एक लाल रंग का चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा लिया है और पूरी दुनिया आपको लाल नजर आ रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। ये माइंड की गेम है, माइंड से एक लेवल ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस। इन दोनों के बीच में गैप है, अवेयरनेस का गैप, जागने का गैप, संकल्प का गैप, कमिटमेंट का गैप, कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करूंगा, पहले सोचूंगा समझूंगा सिचुएशन को अच्छे तरीके से देखूंगा फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। कोई भी फीलिंग, कोई भी भूत आकर के मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि उस भूत को, उस फीलिंग को मैंने बनाया है, ना कि उसने मुझे बनाया है।
इस माइंड को हमने बनाया है, आपने बनाया है, माइंड ने आपको नहीं बनाया भाई। अपनी पावर्स को पहचानो, समझो, आपको पता भी है आप कौन हो? यू डोंट नो दैट। कब समझ आएगा कि आप कौन हो? जब आप गैप क्रिएट करके देखोगे सिचुएशंस को, जब आपको समझ आएगा कि चाहे कोई भी बुराई हो इस दुनिया की, कैसी भी, जो जड़ है आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की, उनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में, ऐसे ऐसे। ये है आपकी पावर्स। कितना भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, सोचो कि अगर मुझे पता लग जाए आपकी वीकनेसेस क्या है, तो आपकी डोर आपके हाथ से निकल गई, मेरे हाथ में आ गई, मैं आपको जैसे चाहूं वैसे ना चाहूं। मुझे पता लग जाए कि आपके अंदर लालच है, आप ये चीज करना चाहते हो, आपको लालच देकर के आपसे कुछ भी कराऊं ना। मुझे पता लग जाए आपको इस बात पे गुस्सा आता है, आपको गुस्सा दिलाऊं और आपको कहीं भी फंसा दूं। मुझे लगता है, मुझे पता है कि आपको इस चीज से डर लगता है, आपको डरा करके कुछ भी करवा लूं ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप गैप ही नहीं क्रिएट कर रहे, देख ही नहीं पा रहे कि माइंड कर क्या रहा है आपका, आपके साथ में। तो सिर्फ देखना है, रुक करके, लड़ना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ देखना है। देखना ही काफी है भूत को, ये सब भूत हैं, सब भूत है, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, जो हमारे माइंड के अंदर हमने खुद ने बनाए हुए हैं। तो भूत को देखा, देखते रहे, अगर दिख भी गया, देखते रहो अपनी पूरी शक्ति के साथ में, भूत गायब। कोई भूत आपकी पावर्स के सामने नहीं टिक सकता भाई, आप जानते ही नहीं हो आप कौन है। यू डोंट नो दैट। प्रॉब्लम ये नहीं है ह्यूमैनिटी की कि वो छोटे हैं, उनके पास में पावर्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में उतनी ही पावर्स है जितनी भगवान के पास में है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर भगवान ने खुद मान लिया कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक भिखारी हूं, तो उसको कौन मनवाएगा भाई, कौन मनवाएगा? आपने मान लिया कि मैं एक फेलियर हूं, तो आपको कौन यकीन दिलाएगा कि आप फेलियर नहीं हो भाई? जो फेल हुआ है वो कुछ और है, वो आपकी एक इमेजिनेशन है, आप कुछ और हो। आप बैठ करके साइड से उस फेलियर को देख सकते हो, ये है आपकी पावर्स। उस फेलियर के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि मेरे को रिएक्ट करना है या नहीं करना है, बैठ करके रोना है या आगे बढ़ना है। आप वो हो जो इन सबके पीछे हो, पीछे से जो ये सब चीजें कर रहा है। तो करना क्या है, एक एक करके सबसे पहले तो अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आज के बाद ये मेरी बुराइयां, चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, मैं अपने आप के ऊपर उनको हावी नहीं होने दूंगा। ये है पहला कमिटमेंट, ये है पहला। दूसरा क्या है, एक एक करके अपने अंदर झांकना है और अपनी बुराइयों को देखना है। इस दुनिया को ना एक गलतफहमी हो गई है कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ कोई और है, कोई और इंसान है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, कोई और सिचुएशन है बाहर उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, और अगर कुछ ना मिला तो सोसाइटी है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। सब बाहर है, सब कुछ बाहर है। हम अगर कमियां भी देख पा रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं, उसकी कमियां हमें नजर आ रही है कि उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, अपने अंदर कभी हम झांक ही नहीं रहे। लाखों में करोड़ों में कोई एक है जो अपने अंदर झांक रहा है। बात करते हैं मैं दुनिया को बदलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भाई पहले खुद को तो बदल ले, अपने मन को तो साफ कर ले, बाद में दुनिया को साफ करियो। अपने अंदर झांकना है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ये बुराइयां पता है क्या है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो जेलेसी हो जो आपके अंदर ही अंदर पनपती रहती है। अपने पड़ोसी को थोड़ा सा खुश देखते हो तो आपको दुख होता है, उसको दुखी देखते हो तो आपको बड़ा मजा आता है। तो ये सब चीजें क्या है, जेलेसी है, नफरत है, अहंकार है, ईगो है, ये सब चीजें क्या कर रही हैं? अगर आपका माइंड बिल्कुल एक पानी के जैसा है ना, ये चीजें उनको तपा रही है, उसकी वजह से पानी खोल रहा है और आप अंदर ही अंदर जल रहे हो, आपका दिल जल रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि माइंड है क्या। बातें सब करते हैं लेकिन अपने अंदर झांक करके कभी नहीं देखते कि माइंड है क्या। बाहर हम जाते हैं, कितने लोग हैं जो जाकर के जब रोटी सेक रहे होते हैं तो जाकर के तवे पे हाथ रखते हैं जानबूझ करके, गलती से लग जाए वो बात अलग है, जानबूझ करके नहीं करते ना, क्योंकि पता है इससे बॉडी जलेगी। अरे भाई ये सब चीजें जो है ना, चाहे वो लालच हो, चाहे वो गुस्सा हो, ये सब चीजें, इससे आप किसी का क्या नुकसान करोगे, इससे आप खुद जलोगे। जेलेसी से ये मत समझो आप किसी और का नुकसान कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। अंदर ही अंदर जल रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही, लाइफ में सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही,
जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, हमारा मन शांत क्यों नहीं है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं इधर उधर, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, कहां जाना है, और पहुंच भी गए तो क्या हो जाएगा, कभी सोचा है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमको भागना बंद करना है, भागना है भाई, भागने के टाइम पे भागना है, फैमिली के लिए रोटी चाहिए, बच्चों के स्कूल की फीस चाहिए, तो भागना है, काम भी करना है, लेकिन जब काम कर लिया तो कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए अपने अंदर झांक करके देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। खेल समझ तो आए कि दुनिया में जो चल रहा है वो तो हमें सबको पता है, न्यूज में देख लिया, यहां देख लिया, वहां देख लिया, अंदर क्या चल रहा है, ये माइंड किस तरह के खेल खेल रहा है हमारे साथ में, सिर्फ इतना सा पकड़ना है। और अब तक मैंने जो कुछ भी कहा आज के सेशन में, अगर उसको सम अप करना हो तो बहुत सिंपल है, वो ये है कि अगर आप हमेशा हर हाल में खुश रहना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड चाहते हो, लाइफ में थोड़ा सा सुकून चाहते हो, चैन की नींद चाहते हो, अच्छी रिलेशनशिप्स चाहते हो, हमेशा हंसता हुआ चेहरा चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, एब्सोल्यूटली फियरलेस होना चाहते हो, इतना सा भी डर नहीं, एब्सोल्यूटली फियरलेस, किसी तरह का कोई डर नहीं, अगर ये सब चीजें आप चाहते हो और अपने अंदर से चाहते हो और उस खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो जिस खुशी को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इस दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं जो हमको चीजों से मिलती है और इंसानों से मिलती है या बाहर सिचुएशन से मिलती है, उन सबको एक तरफ रख दो, मतलब कि एक तरफ आप इस पूरी दुनिया की वेल्थ इकट्ठी कर दो और एक तरफ कर दो शांत मन, स्थिर मन, तो वो सब दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का। एक जले हुए तिनके की जितनी वैल्यू भी नहीं है उस पैसे की, जले हुए तिनके की जैसी। जैसे ही आपका मन स्थिर हुआ, मन शांत हुआ, पानी बिल्कुल क्लियर हुआ, उसमें बुलबुले उठने बंद, बिल्कुल साफ, तो वो अपने आप ही आपके सामने आ जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं इस पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, उसका जो एंड गोल है वो सिर्फ एक है कि मन को शांत किया जाए, मन को साफ किया जाए, अपने मन को, दूसरों के मन को नहीं, अपने मन को, अपने अंदर की गंदगी को साफ किया जाए। मन साफ हुआ, मन शांत हुआ, बाकी सारा खेल उसका है भाई, फिर उसका खेल शुरू, आपका खेल खत्म। आपका काम सिर्फ यहीं तक था कि उसके घर को साफ करना, उसके मंदिर को साफ करना, बाकी सारा काम उसका है। कहां है उसका घर, कहां है उसका मंदिर, कहीं बाहर नहीं है, ये बॉडी है, ये माइंड है, ये दिल है जहां पर वो रह रहा है। और जैसे ही आपने साफ किया, अब उसके पास में कोई चॉइस नहीं है इंसानों की तरह कि मैं ये करूं या वो करूं, वो ही करेगा जो वो है, उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो क्या है, वो प्यार है भाई, वो प्यार है, प्यार करेगा वो आपको। कौन है वो, उसका कोई नाम नहीं लूंगा, ये नाम लेते ही माइंड में इमेजिनेशन आनी शुरू हो जाएंगी, उसको आप भगवान कहो, अल्लाह कहो, अरे कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, सब नाम उसके हैं, जिसका कि कोई नाम ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, सब नाम उसके हैं। अरे भाई वो प्यार है, वैसा प्यार नहीं जिसके बारे में इस दुनिया में बात की जाती है, वैसा नहीं, गलत मत समझ लेना, आई लव यू मतलब कि कोई है जो किसी और को प्यार कर रहा है, मतलब कि दो हैं, इस प्यार में क्या है, मिलावट है, गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत मिलावट है, और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कंडीशंस और एक्सपेक्टेशंस कहां हो सकती है, कभी सोचा है, जब दो हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तू भी मुझे बदले में प्यार करे, कि मैंने तेरे लिए इतना किया, कम से कम तू मेरे लिए इतना तो कर दे, क्या ये सब मिलावट है, सब मिलावट है। पर उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ प्यार है। जब ये मैं और तू पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब वो निकल करके सामने आता है।
मैं गया मतलब कि अहंकार पूरी तरह से गया, अंदर से पूरी तरह से खाली, कुछ भी नहीं बचा, मन बिल्कुल साफ हो गया उन सब गंदगियों से जो रोक रहा था उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस होने के लिए, वो सब गया, मन खाली हुआ, मन शांत हुआ, अहंकार गया, दो थे वो एक हो गए। तो उसके बाद में क्या बचा? जो बच जाता है ना ये सब होने के बाद में, उसी में सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। अरे सिर्फ वो ही है, उसके प्यार में इतनी सी भी मिलावट नहीं है। यहां तक कि ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि इस दुनिया से परे की बातें हैं ये सब, यहां तक कि उसके प्यार में वो खुद भी नहीं है, सिर्फ प्यार है, वो खुद भी नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद भी आया तो मिलावट हो जाएगी, मैं आया तो मिलावट हो जाएगी, सिर्फ प्यार है, सिर्फ वो है, कुछ नहीं कहा जाता। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने अंदर जा करके वो चीजें जो हमारे मन को तपा रही है, जला रही है, हमारे दिल को अंदर से सुलगा रही है, उन चीजों को हम हटा ना दें, वो गर्म हवा जो चल रही है वो चलनी बंद ना हो जाए, तब तक हमारा मन जो बिल्कुल एक पानी के जैसा है, जो खोल रहा है, तब तक वो ठंडा नहीं होगा। जब तक वो ठंडा नहीं होगा, एक जगह पर टिकेगा नहीं, हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं समझ आएगा। क्या मैं बोर कर रहा हूं आप लोगों को? धक्के दे करके निकाल देंगे इस ऑडिटोरियम से। कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक धक्के नहीं पड़ते तब तक मैं बोलता रहता हूं। भाई मैं नहीं थकने वाला, आप उसके बारे में मुझे कहो बोलने के लिए, दो घंटे तो क्या चीज है, दो साल तक आप कहो उसकी तारीफ करने के लिए यहां पर खड़े हो, मैं नहीं थकने वाला। तो बोलता रहूंगा, तो अगर आप में से कोई बोर हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? उसको अलग अलग नाम दे दिए लोगों ने और लोग नामों में उलझ गए, नामों को पकड़ लिया उसको छोड़ दिया, उसके रूप को पकड़ लिया उसको छोड़ दिया, सब रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। पीके मूवी में एक कमाल की बात कही थी, कमाल की बात, दो तरह के भगवान हैं, मैं किसकी पूजा करूं? एक भगवान वो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इस पूरी की पूरी दुनिया को बनाया है, इस छोटे से इंसान को बनाया है, और एक भगवान वो है जिसको इस छोटे से इंसान ने बनाया है। हमने उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, इमेजिनेशन, कमाल है, इमेजिनेशन को पकड़ लिया। वो क्या है उसके बारे में अलग अलग बातें करी गई है, लोग बोलते तो हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते कि जो नाम है उसके पीछे मतलब क्या है। सब बोलते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि का मतलब पता है? वो जो हर ले। ये किसी आदमी की बात नहीं हो रही, किसी इंसान की बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है जिसका कोई नाम नहीं है भाई, उसको नाम दिया ही नहीं जा सकता, मतलब जो हर ले। किसको हर ले? आपकी जिंदगी के सारे दुखों को हर ले। उसकी एक नजर काफी है, एक नजर बस, वो ही बहुत है। उसके बारे में क्या बोलते हैं? गुरु नानक जी ने उसके बारे में क्या कहा? वाहे गुरु। लोग बोलने लग गए वाहे गुरु वाहे गुरु, लेकिन क्या उसके पीछे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं कि गुरु नानक जी ने किस वे में बोला? वाह ए गुरु, वाह मतलब वो गुरु जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वो जो सदगुरु है, वो जो इस दुनिया में जितने भी गुरु आज तक आए हैं और जो आएंगे उन सबका गुरु है, उसकी बात हो रही है। और गुरु मतलब क्या, इसको भी तोड़ो, देखो गु रू गु मतलब क्या? अंधेरा, अंधेरा। और ये अंधेरा कहां है? कहीं बाहर नहीं है, बाहर अंधेरे की बात नहीं हो रही,
अगर बाहर की बात होती तो सूरज की बात होती है, बल्ब की बात होती, मोमबत्ती जलाने की बात होती ना भाई, अंदर अंधेरा, दिलों में अंधेरा है, किसी को पता ही नहीं है, जिसको भगवत गीता में अज्ञान कहा गया है, अंधकार है चारों तरफ, अंधेरा है जिंदगी में। और अंधेरे में क्या होता है, आदमी भागे जा रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है क्योंकि सब डरे हुए हैं अंदर से। अंधेरे में डर तो लगेगा ही ना भाई, कुछ दिख तो रहा नहीं है साफ साफ, सब एक दूसरे को अपने आप से अलग समझ रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है? तो गुरु का मतलब क्या, गु मतलब अंधेरा, रू मतलब वो जो दूर करे। तो गुरु का मतलब टीचर नहीं है भाई, गुरु मतलब वो जो आपके अंदर के अंधेरे को पूरी तरह से दूर कर दे, वो ही असली गुरु है। कोई इंसान नहीं जिसको लोग गुरु समझ रहे हैं, इंसान नहीं है भाई, इंसान की बात नहीं हो रही, वाहे गुरु कोई और है, सदगुरु कोई और है, जो नानक का गुरु है उसकी बात हो रही है। सब उस तरफ इशारा कर रहे हैं और हम उसको नहीं पकड़ रहे, और जो इशारा दिखाने वाला है उसी को पकड़ के बैठ गए। ये है। कैसा है वो गुरु, अगर उसके बारे में कुछ कहा जाए, वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी कोशिश करूं तो कैसा है वो। एक कमरा है, मान लो आपका दिल है, एक कमरा है जिसके अंदर लाखों करोड़ों साल से अंधेरा है, अंधेरा है पूरी तरीके से, गुप्त अंधेरा है, और उसकी एक किरण आई अंदर, एक सेकंड में वो अंधेरा खत्म, उसकी एक नजर से सारा अंधेरा खत्म। ये है वो गुरु जिसकी बात हो रही है, उसको जानना है, और वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, 2 मिनट में आप जान सकते हो। लेकिन जब तक मन साफ नहीं होता, अंदर से सफाई नहीं होती, तब तक वो काम नहीं हो सकता। तो इतना सा काम करना है, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अपने अंदर झांक करके देखना है और एक एक करके अपनी बुराइयों को निकालते चले जाना है। कैसे निकलेंगी ये बुराइयाँ, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ देखना है। अभी आप देख ही नहीं रहे तो दूर कैसे होंगी, अपने आप को बुराई से अलग करना है। समझ आ रहा है, जैसे आपने डांस को अपने आप से अलग कर दिया, ऐसे ही अपनी बुराइयों को अपने आप से अलग करना है कि मैं बुराई नहीं हूं, मैं बुराई को देखने वाला हूं। बुराई उठी कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं, मैंने हाथ उठाया, मैंने मारा, मैंने गाली दी, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं, सिर्फ देखना है। अगर आप देखते रहे तो आपकी इंटेलिजेंस बीच में अपने आप ही आ जाएगी, वो इंटेलिजेंस जो एक ही है, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। और मैं इस चीज को अभी 1 सेकंड के अंदर प्रूव कर सकता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेरे सेशन सुने हो और सुनते सुनते आपको लगा हो कि यार ये बातें तो मैं पहले से जानता हूं, ये बातें तो मैंने कहीं ना कहीं सुनी है। कहाँ सुनी है भाई, मुझे बताओ कहाँ सुनी है ऐसी बातें, कि आपने स्कूल में सुनी है, न्यूज़ चैनल में सुनी है, कहाँ सुनी है, किससे सुनी है, अपने दोस्तों से सुनी है, कहाँ सुनी है? अरे भाई, जो मेरे थ्रू बोल रहा है उस सच को और जो आपके थ्रू सुन रहा है वो एक ही है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूं, सिर्फ याद दिलाने का काम चल रहा है। सब कुछ जानते हो आप, आपकी इंटेलिजेंस कोई कम नहीं है किसी से भी। इस बहकावे में मत आ जाना कि अगर कोई आकर के आपको बोले कि तू कम है मैं ज्यादा हूं, सब बकवास है। आप और मैं या दुनिया में कोई भी फन्ने खां, सब एक है, किसी में कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जिसने जो मान लिया वो ही वो बन गया। तो अगर आपने कुछ माना ही नहीं तो क्या हुआ, सोचो, सोचो कितना सिंपल है कि आपने जो माना वो आप बने, चाहे मैं कम हूं तो कम बने, ज्यादा हूं तो ज्यादा बने। और अगर आपने कुछ माना ही नहीं तो क्या होगा, आप कुछ भी नहीं बने। मतलब दुनिया की नजर में कुछ भी बनते जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बकवास है। लेकिन अंदर से आप कुछ भी नहीं बने, तो जो कुछ नहीं बना, ना कभी बना था, ना बना है, ना बनेगा, उसकी बात चल रही है यहां पर। वो है वो जिसके थ्रू सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से, जिसकी पावर्स को लेकर के इस दुनिया के सारे भगवान, सारे देवी देवता, अगर मैं इमेजिनेशंस की बात करूं, सारे देवी देवता, सब लोग, सारे असुर, सारे इंसान, सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे काम कर रहे हैं अपना अपना। और वो काम कर रहे हैं जो उनका बेसिक नेचर है, उसके अलावा वो चाहे भी तो कुछ और नहीं कर सकते। मुझे बहुत लोग आकर के पूछते हैं, कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हो इसमें आपका क्या फायदा है। आप में से भी शायद कुछ लोगों के माइंड में आया होगा,
तो जब भी मुझे कोई ऐसा मिलता है ना जो मुझसे पूछता है कि आपका क्या फ़ायदा है, मैं सबसे पहले उससे पूछता हूँ, मैंने कहा भाई तेरा सरनेम क्या है पहले तो ये बता, पूरा नाम बता अपना, बनिया है क्या? वैसे तो मैं भी बनिया हूँ। मैं पूछता हूँ बनिया है क्या, फ़ायदा है, एक बात बता, एक मछली पानी में तैर रही है उसका क्या फ़ायदा है, एक पंछी आसमान में उड़ रहा है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है पानी में तैर के, या कोई नुकसान हो रहा है, या उसका हवा में उड़ करके कोई फ़ायदा हो रहा है कोई नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा भाई, इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ वही कर रही है जो कि उसका बेसिक नेचर है। तो अपने बेसिक नेचर को बदलना है, जैसा आपका नेचर होता चला जाएगा वैसे ही आप बनते चले जाओगे, वैसे ही मोल्ड होते चले जाओगे। क्ले है, उसको जैसे चाहे मोड़ लो, और अगर ना मोड़ो तो सिर्फ क्ले है। बस इतना सही है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।